जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे ब्लॉग चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग का सेकेंड पार्ट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारा ब्लॉग वीडियो दो पार्ट में रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। और एक बात बता दें कि इस किले के अंदर मार्केट भी लगा होता है, जो कि बहुत सारे वस्तु यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। इधर देखिए, ज्वेलरी है, स्टॉल है, लेडीज पर्स, कंगन, चूड़ी और कुछ गिलट की जो ज्वेलरी होती है वो मिलता है। बाकी तमाम सारी इसमें वस्तुएं अवेलेबल है मार्केट में। इधर मार्केट, एक छोटा सा मार्केट भी लगता है किले के अंदर, जब जाएंगे घूमने के लिए तो कि रास्ते में ही मिलेगा आपको। तो इधर देखिए बहुत सारा है, इधर भी लगा है मूर्ति। इधर से अब इधर बाहर की रास्ता है जो दिख रहा है आपको, ये सीधे म्यूजियम की ओर जाएगा। जो ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये सीधे म्यूजियम की ओर जाएगा। तो चलिए हम चलिए एक म्यूजियम की ओर चलते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार होता है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, हम किले के बाहर आ चुके हैं। तो देखिए, ये सामने जो दिख रहा है यही म्यूज़ियम है। इसके अंदर बहुत पुरानी वस्तुएं, हथियार, बहुत सब कुछ लिखा होता है, जिसे विदेशियों को देखने के लिए 250 रुपये का टिकट लगता है और भारतीयों के लिए 80 रुपये का टिकट लगता है। तो इधर देखिए, यही है किले से बाहर जब अंदर की ओर आएंगे तो यही है, यही म्यूज़ियम है सामने। यही गेट सामने आता है म्यूजियम की ओर, अंदर सामने ले जाता है पूरा। वो आगे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी है। इधर बगल में पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए अभी, और आगे का नज़ारा आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत अंदर का कुछ और अलग ही नज़ारा है। अगर आप आएंगे घूमने के लिए तो उधर देखिए, सामने जो सामने लगा उसमें किसी का प्रतिमा भी है। तो अगर आप आएंगे इधर घूमने में तो बहुत मज़ा आएगा, लाल किला घूमने में और अंदर का पार्क घूमने में, बहुत बड़ा सा पार्क है। अगर शाम के टाइम आएंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा। शाम के टाइम में कुछ ठंडा मौसम रहता है, अभी तो हम लगभग 1:30-2 बज रहा है, इसलिए इधर का मानसून अभी बहुत गर्म है और इससे गर्मी भी लग रही है। इधर बारिश कई दिनों से नहीं हो रही है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, इसीलिए यहाँ का कुछ मानसून भी गर्म जैसा लग रहा है। तुम्हारे वीडियो में बने रही आगे का दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके हम नज़दीक आ चुके हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है, पूरा लग रहा है टेंपल का जैसा। इसका हम अभी नज़दीक सबको दिखाएंगे। तो देखिए इधर से सामने का नज़ारा कैसा लग रहा है, वाह सुपर, बहुत सुपर, वेरी गुड। तो देखिए इधर का है पास का नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत लगा। अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें भी किसी की प्रतिमा है, किसी देवी देवते की प्रतिमा है, देवी देवते की प्रतिमा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप ही नहीं आए हैं तो प्लीज़ इधर आकर घूम लीजिए। अब हम लाल किले घूम लिए हैं तो अब बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए इधर का बाहरी हिस्सा है, जिधर से हम लोग आए थे, तो इधर ही से हम लोग आए थे, इधर म्यूजियम के रास्ते। इधर देखिए बहुत लोग म्यूजियम को घूमने जा रहे हैं, इधर विदेशी लोग हैं। देखिए यही इधर यही म्यूजियम है, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार। विदेशी भारतीय बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए और
वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब किले के बाहर आ चुके हैं मेन गेट पे। तो देखिए सामने जो दिख रहा है, उधर देखिए सामने जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो सीढ़ी दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 दिन पहले जो आए थे झंडारोहण के लिए, इसी सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और जो सामने पिलर था थोड़ा दिख रहा है उसी पर झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तो यही वो जगह है, इधर की आशे से आए थे प्रधानमंत्री जी और इसी सीढ़ी से ऊपर गए और जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर झंडारोहण किए। और इधर का भी आप नज़ारा देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर से किले का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें काफ़ी गैप है, इधर जो बैरियर लगा है देखिए CISF के जवान तैनात है। अभी फिलहाल में उधर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, वो ऊपर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और इधर कुछ ऐसा है नज़ारा किले का अंदर का, और यार बाहर का रास्ता निकलने का है, इधर बाहर से मतलब बाहर निकलने का रास्ता है। तो चलिए अब आप लोग को हम वीडियो में बहुत कुछ दिखा दें लाल किले के अंदर। अब बाहर हम लोग जा रहे हैं, देखिए ये तोप रखी है दोनों साइड, इधर इस साइड भी उस साइड भी लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए ये तोप है, पुराने ज़माने की तोप है, कुछ इस पर कोड भी लिखा है 50.2 ऐसे के कुछ लिखा है। ये बाहर का रास्ता है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं घूमकर। तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ एक कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इधर देखिए खाई है, किले की अगल बगल पूरा खाई है। जब भी किले को आप देखेंगे सामने से तो लगेगा कि एकदम स्वीम है, मतलब पूरा ज़मीन है, लेकिन साइड में लगभग 10 से 5 फीट गहरा है। इधर देखिए कैंप लगा है, CISF का कैंप लगा है जवानों का हमारे, जो कि इसे दिन रात में एक कर पूरा ड्यूटी करते हैं, तैनात होते हैं। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, इधर के देखिए गेट है, एंट्री गेट जो दिख रहा है आपको, या दर्श या सब कैंप है। ये देखिए कैंप है, ये मेरे जवान हैं CISF के, इधर रास्ता ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहिए, बस अभी हम वापस निकल रहे हैं किला घूम कर। तो सामने से कुछ और एक बार नज़ारा दिखा देते हैं, उसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद का कर दीजिएगा। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं, इधर देखिए कितना लंबी लाइन लगी है टिकट कटाने के लिए। जब हम लोग आए थे तो इतना लंबी लाइन नहीं लगी थी, देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है टिकट कटाने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। तो अब हम बाहर आ चुके हैं किले के अंदर से, तो इधर से देखिए एक बार आपको हम फिर से दिखा दें किला का नज़ारा। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, देखिए किले का नज़ारा, एक किले का बाहरी भाग है जो अब हम जाएंगे बस स्टैंड से बस पकड़कर कापाहेड़ा बाड़ा जाएंगे, लगभग यहाँ से 25 से 29 किलोमीटर दूर है। तो देखिए ऐसा है नज़ारा किले का, सामने से खूबसूरत लगता है, खूबसूरत लगता है नज़ारा देखने में किले का, लगता है कि नहीं हम किला है। सामने से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप आज की वीडियो में इतना ही, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जाए। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं, अब बस में बैठ गए हैं, तो लगभग यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता है जो कि कापाहेड़ा बॉर्डर जाने में समय लगेगा 1.5 घंटे। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, देखिए काफ़ी भीड़ लगी है बस में। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।